न्यू ओवरटेक में स्वागत है दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ की बड़ी भर्ती की। दोस्तों सीआरपीएफ में बड़ी भर्ती आ चुकी है और ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। जी हाँ, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और ये जो भर्ती है पूरे भारत के लिए भर्ती है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, कहीं भी आप रहते हो तो आप इस भर्ती के लिए जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है या फिर 12वीं या फिर ग्रेजुएट। जी हाँ, इनमें से कौन सी यहाँ पर मांगी गई है और महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए भर्ती की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना होगा www.tipsviralbuzz.xyz। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने सबसे टॉप पर ये वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर आप जाएंगे तो आपको सीआरपीएफ की इस भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहां पर काफी सारी भर्तियां निकाली जा रही है, उन सभी भर्तियों की भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए समय गवाए बिना हम सीधा चलते हैं भर्ती की ओर। दोस्तों आपको बता दें, यूपीएससी ने भर्ती का पिटारा ओपन कर दिया है, सभी डिफेंस की भर्ती होगा। जी हां, यहां पर हम आपको बताने वाले हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भर्ती आ चुकी है जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की डिपार्टमेंट में भर्ती है, जिसमें पोस्ट का नाम है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। ये सभी भर्तियां आ चुकी है और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जी हां सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर काफी सारे बच्चों के लिए यही कंफ्यूजन है कि यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, क्या यहां पर दौड़ नहीं होगी, क्या यहां पर एग्जाम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपकी सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। जी हां, यहां पर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुका हूं, सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर साफ साफ बताया है कि आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी जो कि दो भाग में होगी, पेपर वन और पेपर टू। ठीक है, पेपर वन में अगर आप पास होते हैं तो आपको सेकंड पेपर में बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपकी लंबाई नापी जाएगी, आपकी छाती का नाप लिया जाएगा, आपका वजन नापा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जी हां, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है, फिजिकल टेस्ट मतलब आपकी जो दौड़ है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। यहां पर मैं आप सभी को बता दूं, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहां पर दिया गया है। 100 मीटर की जो दौड़ है सबसे पहले आपको लगानी होगी, मेल के लिए 16 सेकंड दिए जाएंगे और फीमेल को 18 सेकंड दिए जाएंगे। वहीं बात करते हैं 800 मीटर की दौड़ की, तो यहां पर 3 मिनट 45 सेकंड दिया जाएगा लड़कों को और 4 मिनट 45 सेकंड जो है लड़कियों को दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो यहां पर 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप होगी पुरुषों के लिए और 3 मीटर की जो होगी महिलाओं के लिए होगी। ठीक है, और यहां पर आपको सिर्फ 3-3 चांसेस ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपकी शॉर्टपुट होगी, शॉर्टपुट में आपको 7.26 किलो का एक गोला होगा, उसको आपको फेंकना होगा। ठीक है, इस गोले को आपको फेंकना होगा, जो कि आपको लड़कों को 4.5 मीटर कम से कम आपको फेंकना है और यहां पर लड़कियों के लिए कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और उसके बाद में आपका जो है फाइनली इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, मेरिट बन जाएगी, उसके बाद में यहां पर आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। चलिए मैं आपको वापस से पूरी भर्ती की जानकारी देता हूं। टोटल वैकेंसी है 323 पदों पर। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल के लिए 200 रुपए और एससी एसटी और लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, ये सभी फ्री में आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं। अब आप बात करते हैं यहां पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट है 20 से 25 साल। ठीक है, 20 से 25 साल यहां पर एज लिमिट दी गई है और आयु सीमा में छूट भी है, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को छूट दी जाती है। जी हां, अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपके लिए 20 से 30 साल हो जाएगा और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप देख सकते हैं 3 साल आपको बढ़ा देने होंगे, 20 से 28 साल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप यहां पर ना 10वीं पास ना 12वीं पास, सीधा यहां पर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं 24 अप्रैल से 25 मई इसकी लास्ट डेट है करने की। सारे लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।